दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ। ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रंजनी बहू जरा वो नया वाला ही टी शर्ट निकाल देना। शाम को साई पर मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं। रंजनी की सास हेमलता जी ने सोफा ठीक करते हुए कहा। रंजनी ने तेज आवाज में पूछा, वो ही वाला शर्ट जो मैं अपने मायके से लाई हूँ हेमलता जी को बताता। रंजनी की यही आदत है, वह समझ चुकी थी कि वही टी शर्ट निकलवाना है। पर रंजनी एक बार आदतन गीना जरूर देती थी। हेमलता जी ने हामी भरी और काम में लग गई। शाम को हेमलता जी की सहेलियाँ आई और उन्हें टी शर्ट का डिजाइन बहुत पसंद आया। रंजनी ने तपाक से कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। सोसाइटी में भजन संध्या थी। रंजना और उसकी सास भी भजन संध्या में तैयार होकर गए। पड़ोसन ने कह दिया कि हेमलता जी आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, आज आप इसमें जस रही। रंजनी ने हेमलता जी से पहले उत्तर दे दिया, आंटी जी ये साड़ी तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। और रंजनी का चेहरा खिल गया। हेमलता जी सो भी रही। रंजनी के पति राजेश ने एक दिन का रंजनी भूख लग रही है, जरा सी मटरी और बेसन के लड्डू दे देना। रंजनी जो दो दिन पहले ही मायके से जाकर आई थी उसने प्लेट में लड्डू और मठरी रख दी। राजेश ने तारीफ करते हुए कहा, वाह कितने स्वादिष्ट लड्डू और मठरी में कितनी मुलायम है, मजा आ गया। रंजनी ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। हेमलता जी के साथ साथ सारा घर रंजनी की इस आदत से वाकिफ था, इसलिए राजेश भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद रंजनी की ननद नंदोई रहने के लिए आई। हेमलता जी ने रंजनी से फिर नई चादर बिछाने को कहा। आदतन रंजनी ने फिर पूछा, वही चादर जो मैं अपने मायके से लाई हूँ। ये पूछने वक्त रंजनी का चेहरा खिल जाता था। रंजनी स्वभाव की अच्छी थी, सुंदर और सुशील थी। बस उसकी ये आदत हेमलता जी को शुरू में अच्छी नहीं लगती थी, पर अब उन्हें भी ये सुनने की आदत हो गई। रंजनी के मन में कोई पाप नहीं था, ना ही वह ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहती थी। सही सी मायके से आई हो पर पसंद उसकी होती थी और वह उसके मायके के बाजार से आती थी, इसलिए वह तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती थी। घर के लिए नई चीजें लाना, घर को सजाना रजनी को बहुत पसंद था। वह जब भी मायके जाती थी मम्मी नगद रुपये देती थी, वह उन्हीं रुपयों से घर के लिए सामान खरीद लाती थी। सूखी पैसे मायके के होते थे तो नाम भी मायके का ही हो जाता था। रंजनी मायके जब भी जाती थी उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं रहता था। वह तो वहाँ से जी भर के शॉपिंग करके लाती थी। वह रसोई का काम भी नहीं था इसलिए वह मायके से सारा सामान ले आती थी। शाम तक ननंद नंदोई आ गए। ननंद ने पलंग पर बिछी चादर देकर कहा, भाभी चादर तो बड़ी सुंदर बिछाई, कलर और कपड़ा भी शानदार है। रंजनी खुश हो गई और बोली, दीदी ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रंजनी की ननंद भी अपनी भाभी की इस बात से वाकिफ थी, लेकिन नंदोई जी को ये अटपटा लग रहा था। उन्हें मजाक करने की सूझी, उन्होंने रंजनी की से महीने की गुड़िया को गोदी में उठाया और उसके साथ खेलने लगे। रंजनी रसोई के काम में व्यवस्थित, ड्राइंग रूम में ससुर जी हेमलता जी पति राजेश और ननन भी बैठी थी। नंदोई जी ने गुड़िया की तारीफ करनी शुरू की थी, रंजनी भाभी आपकी बिटिया तो एकदम परी जैसी है, कितनी सुंदर है, इसका रंग भी गोरा, होठ भी गुलाबी, बाल भी इतने घने काले। नंदोई जी के मुँह से इतनी तारीफें सुनकर रंजनी ने आदतन बोल दिया, ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। रंजनी ने कहा तो सभी ठहाका मार कर हंसने लगी और अपनी बात का मतलब समझकर रंजनी शर्म से पानी पानी हो गई। हेमलता जी बोली, बहू ये गुड़िया तो ससुराल की है, तुम अपने मायके से नहीं लाई हो। उस दिन के बाद रंजनी की
ये कहने की आदत छूट गई कि ये तो मैं अपने मायके से लाई हूँ। कभी कभी हमारी आदत भी अजीब होती है, हमें वो सही लगती है पर सामने वालों को भी अच्छी लगे ये जरूरी नहीं है। कुछ आदतें हंसी का पात्र भी बना देती है, जब तक कुछ बड़ी बात ना हो वह आदत छूटती नहीं है, और कई बार बरसों की आदत एक घटना से छूट भी जाती है।